हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी की बिल्कुल न्यू रेसिपी। पनीर को टक्कर देने वाली पत्ता गोभी की ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसे आप खा करके पनीर की सब्जी ही खाना भूल जाएंगे। यह बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं, 1 पत्ता गोभी, 2 प्याज लिए हैं मैंने, 3-4 हरी मिर्ची लिए हैं और छोटा सा 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम सभी को डाल करके बर्तन में अच्छे से वॉश कर लेंगे। प्याज टमाटर को और हरी मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लेना है हमें। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे सभी को। इस तरह से ये देखिए, सभी को हम वॉश करके निकाल लेंगे। तो अब हमें लेना है एक बाउल यहाँ पर और हमें पत्ता गोभी को रफली चॉप कर लेना है। ये देखिए, इसको मोटा मोटा हम इस तरह से कट करके रख लेंगे। हमें इसको बारीक नहीं काटना है, इसी तरह से रफली चॉप कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को काट दिया है। यहाँ पर पत्ता गोभी मैंने 250 ग्राम ली थी, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब पत्ता गोभी को मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, पत्ता गोभी को हम इसमें वॉश करके डाल देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा सभी को डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब पानी लिया है सभी को डाल करके। अब हमें इसको 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। इसको गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर हाई कर लेना है और इसको अच्छे से उबाल लेना है। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सभी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको टमाटर को यहाँ पर निकाल लेंगे। सभी को निकाल करके ठंडा होने तक हमें रख लेना है यहाँ पर। सभी को हम इस तरह से निकाल करके रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची सभी को निकाल करके एक प्लेट में रख लिया है। अब हम यहाँ पर पत्ता गोभी को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको ठंडा होने तक हमें एक छलनी में इस तरह से रख लेना है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये ठंडी भी जल्दी हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें सभी को निकाल लेना है और निकालने के बाद जब यह हमारी गोभी ठंडी हो जाएगी तो हमें इसको मिक्सी जार में डाल लेना है। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे ही ये पीस लेना है हमें इसको। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर एक इसको एक बाउल में डालेंगे और यहाँ पर हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। बेसन आप इसमें 5-6 चम्मच के करीब ऐड कर सकते हो। बाकी आप जब इसको ऐसे मिक्स करोगे, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो और भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब नमक लिया है और अब देखिए, मुझे लग रहा था इसमें कि बेसन थोड़ा और डलेगा तो मैंने इसमें डाल लिया है। इसका एक स्मूथ सा में बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से गिरना चाहिए। तो अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर एक थाली लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। तो इस तरह से इसको हम ऑयल या घी लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर। डाल करके हमें इसको फैला लेना है चम्मच की मदद से इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें फैला करके इस तरह से तैयार कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें डालेंगे हम 4-5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। तब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर अपने टमाटर को अच्छे से इस तरह से छिलके उतार करके हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची सभी को एक साथ हम मिक्सी में पीस करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से देखिए हमारा पानी भी अच्छे से उबल चुका है। अब यहाँ पर आप एक कटोरी रख दीजिए जो थोड़ी सी हैवी हो और उसके ऊपर हमें रख देना है ये थाली में जो मैंने बैटर को रखा था,
और इसके ऊपर हमें एक प्लेट को ढक देना है। हमें इसको भाप में पकाना है, तो यहाँ पर 10 मिनट के करीब लगते हैं। तब तक हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 4-5 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और जो मैंने टमाटर प्याज का पेस्ट बना करके तैयार किया था उसको डाल देंगे। डाल करके हम अच्छे से भून लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे मसाले। मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने यहाँ पर, और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच देगी मिर्च। सभी को डाल करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमें इसको मसाले को अच्छे से पका लेना, जब तक कि ये देखिए इस तरह से हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अब इसको हम उबलने देंगे। जब तक हमारे पानी में उबाल आता है तब तक हम यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा बैटर बना कि नहीं बना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं टूथपिक की मदद से इसको चेक करूँगी। ये देखिए अगर टूथपिक साफ़ निकल जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारा बैटर अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको एक निकाल लेंगे हम यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको सीधा सीधा पीसेस कट करेंगे हम यहाँ पर। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए बिल्कुल पनीर की तरह दिख रही है हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और आप खाएंगे तो बिल्कुल पनीर की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे हमारी ग्रेवी में और इसको 5-7 मिनट के लिए हमें और पका लेना है। इस तरह से ये देखिए अब एक उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने घर पे गरम मसाला बनाया हुआ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको 5 मिनट पका लेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पत्ती, मैंने ये सुखा करके रखी थी, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हो धनिया पत्ती को हम कैसे सुखा कर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अब चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए थोड़ी सी गार्निश के लिए धनिया पत्ती। तो हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप बना करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।